हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे असासिन्स क्रीड ओरिजिन्स एक लो टू मिड स्पेक पीसी में कैसे खेल सकते हैं, ठीक है। और कैसे आप 20 से 30 एफपीएस के बीच में कैसे फ्रेम रेट को ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको अपने पीसी का कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। मेरे पीसी का कॉन्फ़िगरेशन है वो है i5 4th जनरेशन, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप इंटेल कोर i5 4th जनरेशन, और जो ग्राफिक कार्ड है वो एनवीडिया GeForce 840M विथ 8 GB ऑफ रैम, ठीक है। तो ये मेरा पीसी का कॉन्फ़िगरेशन है। ये लो तो नहीं बोलूँगा पर मिड है, और क्योंकि ये ग्राफिक कार्ड काफ़ी पुराना है इसलिए इसका जो परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको अपने गेम की सेटिंग्स दिखा देता हूँ, जिसका मदद लेके आप अपने गेम की सेटिंग बदल सकते हैं और 20 से 25 FPS तक आप जो फ्रेम रेट है उसको पा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए जो डिस्प्ले का सेटिंग है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है उसी को रहने दीजिए, इससे छेड़छाड़ मत कीजिएगा। रेजोल्यूशन को आप 1360 में सेट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, जो रेफ्रेश रेट है उसको आप 60 हर्ट्स, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट यही रहता है। और वेसिंग को ऑन रखिएगा, ठीक है। ये क्या करता है कि जब आप गेम का जो फ्रेम्स है वो फटने लगते हैं तो उससे ठीक करता है, ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू को 100 और FPS को आप बंद ही कर दीजिएगा, ये किसी काम का नहीं है लो स्पेक पीसी में। उसके बाद ग्राफिक्स में जाएंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे 23 FPS मिल रहा है अभी, ठीक है। तो अब क्या करने का, जो डायनेमिक रेजोल्यूशन उसको आप बंद रखिएगा, एंटी अलियासिंग को भी बंद रखिएगा, शेडोज को लो रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी जो सेटिंग्स है उसमें मैंने क्या क्या रखा हुआ है, और इस हिसाब से आप सबको बढ़ा घटा सकते हैं। बढ़ा तो नहीं सकते, आपको घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि बढ़ाएंगे तो फिर इधर FPS कम हो जाएगा और गेम खेलने लायक नहीं रहेगा, ठीक है। और कैरेक्टर डिटेल्स हैं, इनको भी आप लो रखिएगा, कैरेक्टर को भी लो रखिएगा। और डेप्थ ऑफ व्यू को मेरे ख्याल से आप ऑन ही रखिएगा, इससे क्या है पता चलता है कि जो सीनरी है वो बहुत अच्छे से दिखाई देता है, नहीं तो सब कुछ फ्लैट दिखाई देगा और कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। और अब मैं आपको गेम प्ले दिखाता हूँ कि जो हमारा गेम है वो कैसे चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, और एक और बात दोस्तों, जो आप देख रहे हैं एक्चुअली में गेम उससे ज़्यादा स्मूथ है, पर क्योंकि मैं अभी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ साथ ही साथ, इसलिए जो गेम है वो हल्का फुल्का अटक रहा है, नहीं तो आप देख सकते हैं गेम काफ़ी स्मूथ चल रहा है। अब मैं आपको कहीं और लेके चलता हूँ। Hail in peace. How are you, Nevin? Yeah, I tell you, Relu.